नाइन्थ क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन निकालना है कॉट इनवर्स ई रेज़ टू पावर एक्स का. बहुत सिंपली हमने इस पर बॉक्स लगाया तो बन गया कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है जो टेन इनवर्स एक्स का होता है, अंतर सिर्फ एक माइनस का होता है. ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स का. ई रेज़ टू पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर एक्स, और आ गया वन अपॉन में ई रेज़ टू पावर टू एक्स. इंटीग्रेशन में यही क्वेश्चन आएगा सेम, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा और उसका प्रोसीजर ये नहीं होगा जो ऐसे है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पर बॉक्स लगाया तो बन गया ये x, और ये हो गया x की पावर 4. x की पावर 4 का हो जाएगा 4 x का क्यूब, और डिफरेंशिएशन किस का? बॉक्स का, मतलब साइन इनवर्स x 4. यहाँ फिर से बॉक्स लगाया तो 4 साइन इनवर्स x 4 का होल क्यूब. साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किस का? बॉक्स का. तो एक्स फोर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा, पहले से है 4 साइन इनवर्स एक्स फोर, एक्स फोर का हो गया 4 एक्स का क्यूब, और अपॉन में आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 8. ठीक है, 11 क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव कुछ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नया. देखिएगा, y इक्वल टू, ये साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है. हम एक बात जरूर चाहते हैं, इनवर्स अगर साइन का तो अंदर साइन होना चाहिए, या अगर अंदर कॉस है तो बाहर भी कॉस. तो साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x. ऐसे कॉस इनवर्स को लिख सकते हो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स. आप देखो, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, पाई बाय टू मिलकर हो गए पाई. कॉस इनवर्स से कॉस गया एक्स, साइन इनवर्स से साइन गया एक्स, और ये आ गया वाई. अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा डी वाई बाई डी एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1, एक्स का 1, आंसर आ गया माइनस 2.